इंडियन 24 न्यूज एचडी के साथ मैं राबिया अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान में कोरोना के बायस मजीद 43 अफराद इंतकाल करके सबके 3119 नए मरीज सामने आए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 41,115 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3119 अफराद में वबा की तस्दीक हुई जबकि 43 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमू तादाद 8,303 हो गई है जबकि मरीजों की मजमू तादाद 4,13,191 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 52,359 है। IG पंजाब ने 11 DSPs के तकरर तबादले के अहकाम जारी कर दिए। DSP फोर्ट अब्बास बहावल नगर गजनफर अब्बास को DSP शॉर्ट कोर्ट तैनात कर दिया गया। DSP शॉर्ट कोर्ट अहमद सज्जाद को DSP फोर्ट अब्बास बहावल नगर तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच लोथरा रमीज अहमद को DSP ऑर्गेनाइज क्राइम लैया तैनात कर दिया गया जबकि डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जंग रहमान कादिर खान को DSP इन्वेस्टिगेशन 3 फैसलाबाद में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच ननकाना साहब मोहम्मद शबीर को DSP सदर मंडी भावजी तैनात कर दिया गया है। तकर्री के मुंतसिर DSP नवीद मुर्तजा की खिदमत एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब के सपोर्ट कर दी गई है। शकरगढ़ छमाट रोड पर गली में तकरीबन 5 दिन से नाली और गट्ठों का गंदा पानी खड़ा। गंदे पानी की वजह से मोहल्लेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहले मोहल्ला का कहना है कि पानी खड़ा होने की वजह से नमाजी घरों में नमाज पढ़ने पर मजबूर है। अहले मोहल्ला की इंतजामिया से दरख्वास्त है कि निकासी आप का इंतजाम बेहतर किया जाए। जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन इलाका नसबैरी और इज़्ज़त कौशनवारी के आसपास के इलाकों में गोला बारूद और असलहा बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान कई मशकूक अफराद गिरफ्तार। चौकी परेड की हदूद बड़ोहा में कत्ल की वारदात। मुलजिम ने कत्ल के बाद मकतूल का सर और अज़ा काट डाले। मुलजिम ने चंद रोज कबल अपने भाई को भी कत्ल कर दिया था। मरी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पुलिस पर भी फायरिंग की मगर पुलिस ने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में शदीद खौफ हरास फैल गया। पुलिस की बर वक्त कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश भी दी गई। फाटा इंतजाम के बाद कबाइल इस्लाम में पुलिस के जवानों को पाक फौज के सिर इंतजाम पेशावराना ट्रेनिंग दी गई। फाटा इंतजाम के बाद कबाइल इस्लाम में पुलिस के जवानों को पाक फौज के सिर इंतजाम पेशावराना ट्रेनिंग दी गई। बारा चदार में पहले मरहले में 400 जवानों की पेशावराना तरबियत मुकम्मल होने को है जिनको नए कवानीन के मुताबिक आवाम की बेहतर खिदमत और जराइम के सदेबाव के लिए पेशावराना तरबियत दी जा रही है। अस्करी मशकें और पुलिस के तफ्तीशी नज़ाम की तरबियत दी गई है ताकि इलाके में जराइम के खात्मे और आवाम के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में पाक फौज 73 ब्रिगेड 8 क्लोज रिजमेंट में सेमिनार का अहतमाम किया गया जिसमें ब्रिगेडियर नजफ अब्बास, जिले इंतजामिया, पुलिस अफसरान, मुखला बरादरी, डॉक्टर समेत सरकर्दा कबायली आबादी शरीक हुए। कमांडिंग अफसर 8 क्लोज रिजमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल जावेद इलियास ने इस तरबियत के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी और पुलिस जवानों ने हासिल करदा तरबियत के मुताबिक अमली मुजाहरे भी किए। न्यूज़ स्टूडियोज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NAN24 न्यूज़ HD क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर आपके साथ। एंगल हॉर्न